नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी चैनल को। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर तथा शिक्षकों के मामले के बारे में, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरी तरफ 69,000 का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। मामला क्या है इसको लेकर बात करेंगे। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो अभ्यर्थियों के साथ में शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि और भी अभ्यर्थी को सूचनाएँ मिल पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार आप सभी को तमाम जो जानकारी है वो दी जा रही है, लेकिन ऐसे में फिलहाल का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि नए विज्ञापन का जो इंतजार है वो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की जो मंशा देखने के लिए मिल रही है उनकी मंशा है कि तदर्थ शिक्षकों को बिना परीक्षा के नौकरी दे दी जाए। इसकी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है, मैं आप सभी को यहां दिखाने भी वाला हूं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर शायद नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे जानते भी हैं। तदर्थ शिक्षकों का मामला आप सभी को पता होना चाहिए, सिंगल बेंच से डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पे बार बार एक ही जानकारी दी गई कि इनकी जो नियुक्ति है रद्द कर दी जाए जब तक चयनित हो गया कि शिक्षक ना आ जाए। ऐसा सिंगल बेंच डबल बेंच के अंदर साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखने के लिए मिला। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश चयन बोर्ड को दिया कि भाई आगामी समय के अंदर 2021 तक इन सभी के पदों पर भर्ती कर दी जाए। अब इनके पदों की संख्या कितनी है, लगभग अनुमान के तौर पर देखा जाए तो 30,000 के आसपास ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। सवाल देखने के लिए मिलता है कि तदर्थ शिक्षक होते क्या है, मैनेजर के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी, बस इतना आप सभी के लिए काफी है। किसी रिक्रूटमेंट के माध्यम से इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, मतलब कि चयन बोर्ड के माध्यम से। या फिर दूसरे शब्दों में आप सभी को समझना है तो मान कर के चलिए जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए रखा गया था, सेम ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिला सिंपल शब्दों में। लेकिन दोनों में डिफरेंस था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैनेजर के द्वारा नियुक्ति कर दी गई। अब ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब से आदेश देखने के लिए मिला है उसके बाद से चयन बोर्ड ने विज्ञापन भी निरस्त कर दिया, नया विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि तदर्थ शिक्षकों को बिना नौकरी के यहाँ पर मतलब बिना परीक्षा की नौकरी दे दी जाएगी, तो ऐसे में छात्रों के साथ में बड़ा अन्याय होने वाला। और 4 से 5 साल के लंबे इंतजार के बाद में जब भर्ती देखने के लिए मिली तो ऐसे में चयन बोर्ड की मंशा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के खिलाफ अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड कहीं ना कहीं लगातार तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर खींचता हुआ दिखाई दिया है। प्रतियोगी छात्रों के साथ में हमेशा से चयन बोर्ड का जो रवैया है वो ठीक नहीं रहा है, पुरानी भर्तियों के बारे में हो या फिर नई शिक्षक भर्तियों के अंदर। क्योंकि आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है कि तदर्थ शिक्षकों का जो भविष्य है वो तय होगा, इसको लेकर कल एक बैठक होने वाली है, मतलब कि सोमवार को। ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बिना परीक्षा के यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको नौकरी देने का जो रास्ता है वो देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अभी तक इनको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, तो आगामी समय के अंदर अगर इस प्रकार का मामला देखने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी को नुकसान होगा जो काफ़ी लंबे समय से तैयारियाँ कर रहे थे। और जो अभ्यर्थी अभी भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पे अपनी नींद को खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जिसमें तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए बिना लिखित परीक्षा में शामिल किए उन्हें विनियमित करने पर विचार किया जाएगा, और अगर ऐसा हो तो 30,000 से 32,000 ऐसे शिक्षकों की कहीं ना कहीं आवश्यकता खत्म हो जाएगी जो पद खाली पड़े हुए या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है उसकी भी यहाँ पे अवहेलना देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि उनका कहना है कि इसको लेकर कोई विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी के हित में होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार विवाद जारी है। जब से जानकारी देखने के लिए मिली अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उससे पहले कल होने वाली मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी निकलेगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार का अगर कोई फैसला चयन बोर्ड लेता है जिससे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का भी हित प्रभावित होगा, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना होने वाली है। अब कल की मीटिंग के अंदर क्या होने वाला आप सभी इंतजार करिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रवैया सरकार की तरफ से चयन बोर्ड की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो प्रयास है वो जारी है। 10 तारीख को धरना प्रदर्शन भी फिर से याद करवा देता हूँ। और ऐसे में आप सभी को बताया कि आज की तारीख के अंदर ट्विटर वार देखने के लिए मिला, और कहीं ना कहीं जो मुद्दा वो पहले नंबर पर ट्रेंड हुआ। पहले नंबर पर जाकर अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या के अंदर ट्वीट किए, दोपहर को मैंने दिखाया भी था, लगभग 30,000 के आसपास थे और शाम होते होते लगभग 50,000 से ऊपर निकल गए। लेकिन इन सब के बीच में अभ्यर्थियों की बड़ी मेहनत की
देखने की हम दाद देते हैं, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा बड़ी जीत देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में जो देखने के लिए नहीं मिल रहा है वो है आधिकारिक घोषणा। ना तो मुख्यमंत्री सर की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही, ना शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी जा रही है, और ना ही अधिकारियों के माध्यम से कहा जाए कि नई भर्ती कब तक होगी। ऐसे में नई भर्ती के सवाल को लेकर या फिर कब से देखने के लिए मिलेगी, शासन प्रशासन पूरे तरीके से मौन है, जिससे कि कहीं ना कहीं चीज़ें इस, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहने वाला है इससे हमें मोटिवेटेड रहना है, लेकिन जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो विज्ञापन है। क्योंकि प्रदेश के अंदर जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। आज बड़ी जीत हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी को बधाई है। उम्मीद करते हैं कि आगामी समय के अंदर एक दिन आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो भी आए। लेकिन जो कमी है वो कहीं ना कहीं आधिकारिक घोषणा की, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ भी रखना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से घोषणा होनी चाहिए। और ऐसे में जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय कार्य भी है, तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द कामयाबी मिलेगी और लगातार आप सभी को इस प्रकार की एकजुटता दिखानी भी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 10 तारीख को धरना प्रदर्शन भी होने वाला है, उसको भी याद, और उसके बाद में अगर सरकार की तरफ से कोई घोषणा देखने के लिए मिलती है, आश्वासन देखने के लिए मिलता है, तो वो भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे में अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारे जो विवाद हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसे तैसे नियुक्ति पूरी हो गई है, कुछ को नियुक्ति मिल चुकी है, कुछ की लटकी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं संशोधन वाले दिव्यांग अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उत्तर कुंजी वाले धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 69,000 के मामलों को क्लियर नहीं किया गया है। अब ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सोच करके थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। पहले तो यहाँ पे सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी करके जानकारी दी गई कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन ऐसे में आप सभी को पहले यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप सभी के सामने आता है ये मामला दोस्तों, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 987/2021 आप सभी के सामने है। यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड बनाम अगर बात करें अर्चना चौहान का मामला है, जो कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है। 13/1/2021 को याचिका दाखिल की गई है, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं दोबारा से यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँची इस मामले को लेकर। हालांकि याचिका ऐसे पहले दाखिल की गई थी जो कि आप सभी को देखने के लिए मिली है, लेकिन अभी तक इसकी जो सुनवाई है वो नहीं हुई है। क्योंकि सिर्फ याचिका दाखिल होने से मतलब नहीं होता, 13 तारीख को याचिका दाखिल हुई थी लेकिन 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया, मतलब कि कल परसों की तारीख के। तो इसके अंदर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर एक याचिका दाखिल की गई, जो कि आप सभी के सामने आउट ऑफ विशेष अनुज्ञा याचिका, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं अर्चना चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि ऐसे में संदर्भ करने का ग्रहण करें, माननीय उच्चतम न्यायालय योजित सिविल अपील जिसकी संख्या आप सभी के सामने आ जाती है, अर्चना चौहान का मामला है, तो शासन आदेश के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नीचे आप सभी देखेंगे कि अर्चना चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य पारित निर्णय दिनांक 2/9/2020 के अनुपालन में समय अंतर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ऐसे में कहीं कि इस मामले को अनुपालन पुनर्विचार याचिका 1987/2021 में पारित अनंतिम उक्त शासन आदेश की प्रति संकलन कर इस निर्देश के साथ प्रेषित करें, और साथ में इस प्रकरण को दिनांक 10/2/2021 को जनपद में काउंसलिंग आयोजन करते। मतलब यहाँ पे मैं आप सभी को सिंपल शब्दों में समझा दूं, उनका कहना है कि अर्चना चौहान का जो मामला देखने के लिए मिला था 1987 के अंतिम आदेश पर अधीन होगा, उसके खिलाफ जो भी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इससे पहले क्या था कि अर्चना चौहान को राहत मिल गई थी सरकार की तरफ से, ठीक है, मतलब कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट ने कहा था कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, नहीं दिए गए, पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई। ऐसे में कहने की कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना करते हुए उनका कहना है कि भाई इनको नियुक्ति पत्र दे दो, लेकिन सरकार की तरफ से यहां पर 987 जो याचिका दाखिल की गई है पुनर्विचार, उसके माध्यम से चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और उस पर जो भी फैसला आएगा उसके बाद इन सभी की जो नियुक्ति, मतलब अर्चना चौहान की जो नियुक्ति होगी वो डिपेंड करेगी। ये मामला है संशोधन को लेकर, संशोधन के मामले को लेकर इनकी तरफ से कहने की जो अंक है वो ज़्यादा लिख दिए गए थे, तो ऐसे में अभी तक सरकार की तरफ से इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। फिलहाल नियुक्ति देने का आदेश है, लेकिन सरकार की जो अंतिम याचिका दाखिल की गई है उस पर जो भी निर्णय होगा उसके अधीन इनको यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र देने के आदेश जारी हुए हैं। अब क्या होगा उस पर सुनवाई के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, फिलहाल जो आदेश है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर 10 तारीख को एक बार फिर से जो काउंसलिंग है देखने के लिए मिलेगी। नीचे आप सभी देख पाए जनपद में 10/2/2021 को जो काउंसलिंग करवा कर नियुक्ति पत्र देने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है।